हेलो दोस्तों दोस्तों देखिए हमारे पास एक अम्ब्रेला सिलाई मशीन आई है। ये क्या कर रही है, जैसे हम मशीन की चाल पूरी खोलते हैं तो चाल पूरी नहीं खुल रही, चाल हमारी छोटी रह जाती है और जो है ना घड़ी पूरी खुल जाती है। देखिए डायल हमने पूरा खोला हुआ है और ये हैंडल चल रहा है। ये देखिए ये घड़ी घूम रही है लेकिन इसका डायल जो है ना ये यूज नहीं हो रहा, जो इसका डायल है ना ये पूरा वर्क नहीं कर रहा। ये देखिए ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊँगा अम्ब्रेला मशीन की चाल कैसे सेट करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे इस चाल को ऐसे बंद करके देख लेंगे। ये देखें चाल हमारी बिल्कुल बंद हो गई और जैसे इसको खोलेंगे ये देखेंगे हमारा हैंडल जो है कहाँ तक चल रहा है। ये हैंडल यहाँ तक 3 नंबर तक चल रहा है और ऊपर ये देखें ये बॉडी में अट जाता है यहाँ पर। ये देखें बॉडी में लगा और जैसे हमने इसको खोला तो ये देखें ये वर्क नहीं कर रहा। और ये देखें ये हमारा जो डायल होता है ये हम जैसे इसको खोल रहे हैं तो हैंडल बिल्कुल ऊपर लग गया है। तो इसको नीचे करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसको ऐसे चाल को बिल्कुल बंद कर देंगे। ये देखें ये चाल हमने बिल्कुल बंद कर दी और इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से व्हील को खोल लेंगे। ये व्हील को खोल लेंगे, ये देखें ये व्हील बाहर निकल जाएगा। ये देखें व्हील निकालने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐसे घुटके पर लिठा लेंगे। ये देखें और जो ये पैंच होते हैं इसके, ये 2 पैंच होते हैं हैंडल में। ये देखें एक ये पैंच है और एक साइड में पैंच है ठीक है दोस्तों। इनको क्या करेंगे ऐसे लूज कर लेंगे। ये देखें इसको लूज कर लिया और इसको लूज कर लिया। लूज करने के बाद ये जैसे ये डायल है इसको ऐसे ये थोड़ा पैंच इसको भी लूज कर लेंगे और इसको डायल को यहाँ पर बीच में रोक देंगे बिल्कुल। ये देखें जहाँ में चलाना है बिल्कुल ये ऊपर नहीं होना चाहिए और ना ही नीचे होना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पर बीच में कर देंगे। ये देखो ये जैसे बीच में हो जाएगा और उसके बाद ये पैच होता है इसको इतना टाइट करना है ताकि हमारा डायल बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी ना हो ज़्यादा ढीला भी ना हो, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए दोस्तों। ये देखो ठीक है बीच में होने के बाद इसको यहीं से टाइट कर देंगे। ये देखें इनको जान लगा के पैच टाइट करना है वरना जब इसको चलाएँगे तो हमारा ये जो हैंडल होता है ये लूज हो जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल टाइट हो चुका है ठीक है। जैसे आप जब डायल को खोलेंगे ये देखें ये देखें जैसे हम चला रहे हैं तो इसके साथ चल रहा है। ये देखें ये बिल्कुल बंद हो गया और ये ऐसे 2 नंबर 3 नंबर ये देखें ये जैसे 5 नंबर पे कर रहे हैं तो है वर्क कुछ। ये देखो तो हैंडल जो है ना पूरा वर्क कर रहा है और पहले क्या था जैसे हम इसको खोल रहे थे तो चाल तो पूरी खुल रही थी लेकिन हैंडल जो है ना यहाँ पर बॉडी में लग जाता था यहाँ पर। ये देखो ठीक है और जैसे हमने उसको बीच में कर दिया। हमेशा याद रखना है जब भी मशीन की चाल बंद होनी चाहिए तो उसके बाद जो हैंडल है ना ये बिल्कुल यहाँ पर इसके इसके जो घड़ी होती है इसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए। देखो ये ऊपर होगा तो फिर बॉडी में अटका, नीचे होगा तो नीचे यहाँ पर लगेगा, ये फिर ये अच्छा नहीं चलने लगा ठीक है दोस्तों। ये देखें ये अब हमारा हैंडल बिल्कुल अच्छे चल रहा है और चाल हमारी पूरी चलेगी। मैं व्हील लगा के दिखा देता हूँ आपको ठीक है दोस्तों। व्हील को ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने खोला था इसको, ये देखें आसानी से इस टांगों को टाइट कर देंगे। ये देखें एक हो गया और अब हमारी चाल ये देखें पूरे अच्छे से वर्क करेगी, ये नीचे भी और ऊपर भी। अब हमारी मशीन जो है ना बिल्कुल ओके हो चुकी है। अगर आपकी मशीन की चाल गड़बड़ करती है तो इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।